हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स हिंदी का चैप्टर वन वह चिड़िया जो। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे चूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। केदारनाथ अग्रवाल जी इस अनुच्छेद में बताते हैं कि चिड़िया बहुत छोटी है और उसके पंख जो हैं वह कैसे हैं, नीले रंग के हैं। वह जूड़ी अर्थात ज्वार के दानों को, जैसे वो ज्वार के दाने साधारण से अन्न, जो साधारण से ज्वार के दाने हैं उसे वह बड़े रुचि से बड़े चाव से अर्थात आनंद ले लेकर खाती है। और वो साधारण सा अन्न खाकर भी चिड़िया को अपने जीवन में बड़ी संतुष्टि है। वे कहती हैं कि मैं छोटी संतोषी चिड़िया, मतलब कि उसे जो है वो अन्न के दाने जो साधारण से हैं वे ही उसे संतुष्टि प्रदान कर देती है। और फिर बड़े अच्छे से बताती है कि नीले पंखों वाली मैं हूँ, अर्थात मेरे पंख जो हैं वह नीले रंग के हैं और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इस प्रकार कवि चिड़िया के विशेषताओं के माध्यम से कि छोटी सी चिड़िया अपने जीवन में किस प्रकार संतुष्ट है, वैसे ही हम मनुष्य को भी अपने जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए। आगे, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। दूसरे अनुच्छेद में भी कवि ने चिड़िया की कुछ और विशेषताओं के को बताया है। कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर अर्थात बिना किसी डर से ऊंची आवाज में बोलना, बूढ़े वन बाबा की खातिर यानी कि बहुत घना जंगल, खातिर मतलब के लिए चिड़िया बोलती है, बूढ़े वन बाबा की खातिर चिड़िया जो है वह ऊंची आवाज में, मीठी आवाज में खुशी के गीत गाती है। और वह उसकी आवाज़ कैसी है, बहुत ही मधुर और ऊंची, जबकि चिड़िया का मुंह कैसा है, बहुत ही छोटा सा, जबकि उसका मुंह जो है वह छोटा सा है। आपने कुछ चिड़िया को देखा होगा, वह दिखने में तो छोटा होता है लेकिन उसकी आवाज़ जो होती है वह बहुत ही मधुर और ऊंची होती है, जो बहुत दूर तक सुनाई देती है। इस प्रकार कवि कहते हैं कि चिड़िया छोटी होते हुए भी बड़ी ऊंची और मधुर आवाज़ में गीत गा लेती है, किसकी खातिर, बूढ़े वन बाबा की खातिर। साथ ही चिड़िया अपने नीले पंखों का वर्णन करना नहीं भूलती, वह कहती है नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन का अर्थ है एकांत। चिड़िया कहती है कि मुझे एकांत बहुत प्रिय है, अर्थात मुझे एकांत में रहना बहुत पसंद है। इस अनुच्छेद से कवि मनुष्य को चिड़िया के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि अगर मनुष्य में संतुष्टि है तो वह सभी से मीठी वाणी में ही बातें करेगा, और मनुष्य अपने आप को जानना चाहता है तो उसे अपने जीवन का कुछ समय एकांत में बिताना चाहिए। आगे अनुच्छेद है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस तीसरे अनुच्छेद में कवि ने चिड़िया की बहुत सी महत्वपूर्ण विशेषताओं को बताया है कि चिड़िया अपनी चोंच से
चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, अर्थात भरी हुई नदी में से जल की मोती की तरह, जल को मोती की तरह से ले जाती है। जल को कैसे ले जाती है? मोती की तरह से ले जाती है, अर्थात जब चिड़िया को प्यास लगती है तो वह पानी से भरी हुई नदी से अपनी चोंच में बूंद बूंद करके पानी पीती है। इसमें कवि ने चिड़िया के साहसी होने के बारे में बताया है। साहसी होने के बारे में कैसे? कि वह नदी भरी हुई है, उसमें जल बह रहा है, उससे वह क्या करती है, अपने चोंच से बूंद बूंद करके वह पानी पीकर अपने प्यास को बुझाती है। आगे कवि कहते हैं कि वह छोटी गर्वीली चिड़िया, गर्वीली का तात्पर्य है अपने ऊपर गर्व करने वाली चिड़िया, वह छोटी गर्वीली चिड़िया, वह चिड़िया जो छोटी तो है लेकिन साहसी है, और साहसी होने के कारण उस चिड़िया को अपने ऊपर गर्व है। चिड़िया फिर से अपने नीले पंखों के बारे में बताते हुए कहती है, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यानी कि जो चिड़िया है उसको नदी से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। इस अनुच्छेद के माध्यम से कवि मनुष्य को बताते हैं कि जिस तरह चिड़िया स्वतंत्र रूप से साहस से अपना प्यास बुझाती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में साहस का भाव रखते हुए स्वतंत्र रूप से जीना चाहिए। इस प्रकार हमारा ये कविता खत्म होता है। आगे प्रश्नाभ्यास देखते हैं। फर्स्ट है, तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपर्युक्त शीर्षक सोचकर लिखो। आप जो भी शीर्षक देना चाहते हो, नीले पंखों वाली चिड़िया दे सकते हो। मैंने इस कविता में नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक दी हूँ। ऐसे ही आप गर्वीली चिड़िया दे सकते हो, है ना। आगे प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। चिड़िया को खेतों में लगे जौ बाजरे की फलियों से, जंगल से, और जिस नदी से वह ठंडा और मीठा पानी पीती है उससे प्यार है। नेक्स्ट है, आशय स्पष्ट करो, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इस पंक्ति का आशय है कि चिड़िया ऐसे ही नदी से जल कण लेकर अपना प्यास नहीं बुझाती, वह पहले उफनती हुई नदी का मन टटोलती है और उसकी इच्छा का भी ध्यान रखती है। अंत में अपनी कार्य कुशलता से जल के बीच स्थित मोती को ढूंढ लेती है। नेक्स्ट है, नीचे पंछियों के कुछ नाम दिए हैं, उसमें यदि कोई पंछी एक से अधिक रंगों का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोता की चोंच लाल है और शरीर हरा है। मैना, कौवा, बतख, कबूतर। मैना कैसे होते हैं? मैना हल्के काले रंग की होती हैं। कौवे का रंग काला होता है, उसके पंख कहीं कहीं गहरे व कहीं कहीं हल्के काले होते हैं। बतख की चोंच व पांव हल्के पीले रंग के होते हैं व पूरा शरीर सफ़ेद पंखों से ढका होता है। कबूतर स्लेटी रंग का होता है, उसकी आँखें लाल व पांव गुलाबी रंग के होते हैं, उसकी गर्दन पर हल्का काला व सतरंगी रंग की झलक देखने को मिलती है। इस प्रकार हमारा हिंदी का चैप्टर 1 फिनिश होता है। ओके, गुड डे।